Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. एक्सपोनेंट और बेस आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। अगर हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो उस केस में हम क्या करते हैं। अगर हमारे पास है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 तो आप उसे खोलेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2, और अगर टोटल देखेंगे तो ये बनेगा 2 raised to the power 5। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास है -3 raised to the power 4 और -3 raised to the power 3, इसको एक्सपेंड करेंगे तो -3 7 times एक्सपेंड हो जाएगा, और अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूंगी तो ये बनेगा -3 raised to the power 7। ये 7 कहाँ से आया, डेफिनेटली 4+3 करके 7 आया। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन जो जनरलाइज फॉर्म मेरे सामने आती है वो ये है कि अगर मेरे पास बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड होती है बीच में, अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है तो हमारे पास बनेगा a raised to the power m into a raised to the power n equals to a raised to the power m plus n। अब देखते हैं सेकेंड लॉ, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। हमारे पास है 3 raised to the power 7 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 4। अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर के 4 3, न्यूमरेटर के 4 3 को कट कर देंगे और हमारे पास बचेगा 3 की पावर 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 raised to the power 6 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 2। इसे अगर हम एक्सपेंड कर दें तो डिनोमिनेटर के 2 5, न्यूमरेटर के 2 5 को कट कर देंगे और हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ बचेंगे 5 raised to the power 4। अगर आप देखें इसे जनरलाइज फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा a raised to the power m divided by a raised to the power n equals to a raised to the power m minus n। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर्स है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी अगर आपके बेसिस डिवाइड हो रहे हैं और वो सेम है तो। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। यहां पर हम फर्स्ट केस लेते हैं 2 raised to the power 3 raised to the power 2। इसका मतलब है 2 raised to the power 3 दो बार है, तो 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 3। ये हमें फर्स्ट लॉ की याद दिलाता है क्योंकि हमारे बेसिस सेम है 2 और पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो हमारे पास बनेगा 2 raised to the power 3+3 जो कि हमें देगा 2 की पावर 6। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 raised to the power 2 raised to the power 4। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 times हमारे पास 3 square है, तो हम लिखेंगे 3 square into 3 square into 3 square into 3 square। फिर दोबारा हम फर्स्ट लॉ पे जाते हैं क्योंकि बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे, तो हमारे पास 2+2+2+2 बनेगा 3 raised to the power 8। और अगर इन दोनों रिजल्ट्स को जनरलाइज करें तो हमारे पास आंसर ऐसे भी आ सकता था, अगर हम 3 into 2 करते तो बनेगा 6 2 की पावर 6, डायरेक्ट हम आंसर पे पहुंच सकते थे। इसी तरह से अगर हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते तो 3 की पावर 8 हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते। तो जनरलाइज्ड फॉर्म हमारे पास आ जाती है a raised to the power m raised to the power n equals to a raised to the power mn। इसी के साथ नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं जहां पर है हमारे पास मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल जाता है 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 3। इसे भी हम एक्सपेंड करते हैं और 2 और 3 के कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं 6 into 6 into 6। इसको चेंज करके लिखा जा सकता है 6 raised to the power 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 raised to the power 4 into 3 raised to the power 4। दोनों की पावर जो है 4 है जो कि सेम है। सबसे पहले हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ले जाते हैं और हमारे पास बनेगा 12 into 12 into 12 into 12, यानी कि 12 raised to the power 4। अगर हम इसे जनरलाइज्ड करें तो हम देखते हैं कि हम कॉमन पावर को साइड में रखें और जो भी बेसिस है उन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। जैसे पहले केस में था 2 into 3 और उसके ऊपर कॉमन पावर लगा दी जाए तो बन जाता है 6 raised to the power 3 डायरेक्ट विदाउट एक्सपेंडिंग।
नेक्स्ट है 4 × 3 जो कि मिलेगा 12 और उसके ऊपर रख देंगे कॉमन पावर 4। इसी तरह से अगर हम लेते हैं 3 × a ये बन जाएगा 3a और उसके ऊपर कॉमन पावर 2। इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है कि a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू ए बी रेज टू द पावर m। नेक्स्ट हमारे सामने है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। यहां पर भी सेम वही चीज चलेगी। पहले आप देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 raised to the power 4 upon 3 raised to the power 4। अगर आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलेगा 2/3 × 2/3 × 2/3 × 2/3 4 टाइम्स। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखेंगे तो a और b दोनों पर कॉमन पावर है 3, तो हमें मिलेगा a upon b 3 टाइम्स। फिर वही लॉ लगाएंगे कि आपके जो बेसिस हैं वो एज इट इज लिखेंगे और पावर जो है उसको कॉमन सिंगल वे में रखेंगे। हमारे पास बनेगा फर्स्ट पार्ट का 2/3 raised to the power 4 और सेकंड पार्ट में अगर हम डायरेक्ट यूज करें अपना लॉ तो बनेगा a/b raised to the power 3। तो हम इसे जनरलाइज्ड फॉर्म तैयार कर लेते हैं, हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़े और हम डायरेक्ट अपने लॉ तैयार करें जिससे हमारे आंसर जल्दी हमारे पास आ जाएं। तो हमें याद रखना है अपना नेक्स्ट लॉ a raised to the power m divided by b raised to the power m equals to a upon b raised to the power m। नेक्स्ट आता है नंबर विद एक्सपोनेंट 0। अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो आपको पता है सारे 3 न्यूमरेटर के सारे 3 डिनोमिनेटर से कट जाएंगे और आपका आंसर आएगा 1। ऐसे ही 7 raised to the power 3 को जब 7 raised to the power 3 से डिवाइड करेंगे तो सारे 7 न्यूमरेटर के सारे 7 डिनोमिनेटर को कट कर देगा और आंसर आएगा 1। यहाँ हमारा सेकेंड लॉ भी काम आ रहा है 7 raised to the power 3 upon 7 raised to the power 3, यानी कि बेसिस जो है कॉमन है और वे डिवाइड हो रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी पावर्स जो है वो माइनस होगी। जब 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 0 और हमें पता है कि इसका रिजल्ट आ रहा है 1। तो हमारे पास एक नया जनरल लॉ तैयार हो गया है, ये है a raised to the power 0 always equal to 1।